हम यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज पिछले 32 साल से इंजीनियरिंग क्षेत्र में मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी तरह के कन्वेयर, फीडर, मिक्सर, क्रशर तथा प्रोसेस ऑटोमेशन मशीनरी का कार्य करते हैं। हमारी मशीनें संपूर्ण भारत ही नहीं विदेशों में भी कार्यरत हैं। समय की मांग को देखते हुए हम स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म की कंपोस्ट मशीनों का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल बाजार में कई तरह की कंपोस्ट मशीनें मिल रही हैं, पर कंपोस्ट की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकता पर कम ही खरी उतरती है। कई वर्षों के अनुसंधान और विशेषज्ञों की राय लेकर तथा विदेशों की मशीनों का अभ्यास कर हम सबसे उन्नत मशीनें लेकर आए हैं, जो सबसे किफायती और कम दाम में उपलब्ध हैं। इन मशीनों की खूबी यह है कि ये कम से कम बिजली की खपत करती हैं और सबसे अच्छा निष्कर्ष देती हैं। हम सिर्फ कंपोस्ट मशीनें नहीं दे रहे हैं, बल्कि हरी सब्जियों तथा बगीचे के कचरे को बारीक करने की मशीनों के साथ दे रहे हैं। उद्देश्य साफ है कि जब तक कचरे को तथा खराब हरी सब्जियों को बारीक न किया जाए, परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। उसी तरह सही तापमान भी आवश्यक है। हम हमारे द्वारा निर्मित एक मशीन का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये 25 किलो क्षमता की मशीन है और एक घंटे की प्रक्रिया में ये 25 किलो का वेस्ट खाद्य पदार्थ या बगीचे का वेस्ट या दोनों एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता रखती है। इसके एक तरफ शेडर यानी सामग्री को बारीक करने का यंत्र लगा है और दूसरी तरफ कंपोस्ट मशीन है। इसके लिए बिजली के 3 फेज और 1 न्यूट्रल का कनेक्शन आवश्यक है। मशीन चालू करने के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन के नीचे के खाने में प्लास्टिक की ट्रे रखी है। अब हम मशीन को चालू करेंगे। सबसे पहले हम शेडर यानी पीसने की मशीन को चालू करते हैं और कच्ची, सड़ी तथा उपेक्षित सब्जियों को पीस लेंगे। इस मशीन में हम वो सभी तरह की सब्जी पत्तियां बारीक कर सकते हैं जो हरी हो। इसमें कड़क चीजें जैसे प्लास्टिक की बोतलें, हड्डियां, नारियल नहीं पीसा जा सकता है। हम इस तरह के वेस्ट के लिए भी शेडर बनाते हैं जो ऑर्डर पर उपलब्ध है। पीसी हुई बारीक सब्जियों को अब हम कंपोस्ट मशीन में डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक उनको घुमाएंगे। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम बचा हुआ खाना भी मशीन में डालेंगे। अब फिर से 2-3 मिनट के बाद मशीन के मिश्रण का जायजा लेंगे। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा ज्यादा हो और लुगदी जैसा बन रहा हो तो उसमें लकड़ी का बुरादा इतना मिलाएंगे कि पूरा मिश्रण थोड़ा सूखे जैसा हो जाए। अब मिश्रण में बायोकोलम पाउडर जो एंजाइम युक्त है उसको करीब 1 ग्राम प्रति किलो के अनुपात से मिलाएंगे और साथ में सैनिटरी पाउडर जो दुर्गंध को रोकती है उसको भी करीब 1 ग्राम प्रति किलो के अनुपात में मिलाएंगे। ये सब करने के बाद मशीन का ढक्कन बंद कर देंगे और 30 से 40 मिनट तक चलाएंगे। करीब 30 मिनट हो गए हैं। अब मशीन में नीचे लगे गेट को खोलेंगे और वहां लगे प्लास्टिक ट्रे में मिश्रण को खाली कर लेंगे। हर एक प्लास्टिक ट्रे में करीब 20 से 25 किलो का मिश्रण समा सकता है, अतः यदि मिश्रण अधिक हो तो ट्रे की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। वो निकाले हुए ट्रे को हम स्टोरेज रैक में जमा देंगे। एक स्टोरेज रैक में 20 ट्रे समाते हैं, अतः जैसी आवश्यकता हो उतने रैक और ट्रे की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह यदि हमारे पास 100 किलो का भी वेस्ट हो तो 4 बार में प्रोसेस हो सकता है। आवश्यकता के अनुसार मशीनें छोटी या बड़ी भी दी जा सकती हैं। हम 25 किलो, 50 किलो, 75 किलो, 100 किलो, 150 और 200 किलो तक की मशीनें बनाते हैं और इसी तरह अलग अलग क्षमता के शेडर भी बनाए जाते हैं। आपकी सभी तरह की वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता हो हमसे संपर्क जरूर करें। हम 500 किलो रोज से 10 टन तक रोज के वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी करते हैं। इसी तरह मेडिकल वेस्ट के लिए लगने वाले इंसिनेटर भी देते हैं। आप हमसे नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं।